हेलो एवरीवन, मैं मयंक धामा आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कैसे आप इमेज की मैपिंग करा सकते हो HTML की प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए लेटेस्ट एजुकेशन रिलेटेड वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। इमेज मैपिंग का प्रैक्टिकल करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये होता क्या है। जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि एक इमेज को कैसे लिंक के थ्रू क्लिकेबल बनाया जा सकता है, कहने का मतलब अगर आप इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपको किसी और वेब पेज के ऊपर लेकर के चली जाएगी। अब यहाँ पर इमेज मैपिंग का ये काम होता है कि वो आपकी जो इमेज है उसको अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देता है, और अगर आप हर एक पार्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो वो आपको किसी दूसरे वेब पेज के ऊपर लेकर के जाएगा। जैसे कि अगर आप इस वेब पेज को यहाँ पर देखें, मैंने पहले से बना करके यहाँ पर सेव किया हुआ है। यहाँ पर एक इमेज है, लेकिन इस इमेज को मैंने इमेज मैपिंग के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट एरिया में डिवाइड किया हुआ है। वो कैसे आप यहाँ पर देखें, इसी इमेज के ऊपर अगर मैं लैपटॉप के ऊपर यहाँ पर क्लिक करूँ तो एक लैपटॉप के रिगार्डिंग मेरे सामने वेब पेज जो है वो ओपन होकर के आ गया। इसी के साथ मान लीजिए अगर मैं फ़ोन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखो फ़ोन के रिगार्डिंग जो मेरा वेब पेज है वो मेरे सामने आ चुका है। और इसी के साथ में अगर मान लीजिए बाई चांस मैं इस कॉफ़ी कप के ऊपर क्लिक करना चाहूँ तो ये भी क्लिकेबल है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉफ़ी कप जो मेरे सामने उसका आर्टिकल है वो यहाँ पर शो हो चुका। इसी के बराबर में अगर मान लीजिए ये बाहर इमेज के मैं क्लिक करूँ कहीं पे तो देख सकते हैं आप ये क्लिक कहीं पे नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये मैंने किया है इमेज मैपिंग के थ्रू। अब इमेज मैपिंग क्या होता है, किस तरह से होता है, क्या क्या टर्म्स इसके अंदर यूज़ होंगे, क्या क्या कोड इसके अंदर होते हैं, आइए जरा उनका एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं नोटपैड प्लस प्लस को ओपन करा लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं मेरे पास बिल्कुल ब्लैंक डॉक्यूमेंट यहाँ पर अवेलेबल है। इसमें मेरे को हेडिंग जो है और पैराग्राफ वो वेब पेज के जैसा सेम रखना है, तो जो मैंने वेब पेज पहले से बना करके सेव किया हुआ है मैं उसी के ऊपर आकर के इसको कंट्रोल सी के साथ कॉपी करा लेता हूँ और अपने न्यू पेज पे आकर के कंट्रोल प्लस वी के साथ इसको पेस्ट करा देता हूँ। इतना करने के बाद मेरे को यहाँ पर क्या करा देना है, बॉडी टैग को क्लोज करा देना है और उसी के साथ साथ में आपको क्या करना है, HTML टैग को क्लोज करा देना है। इसको फाइल को यहाँ पर सेव करा लेंगे। गो टू फाइल मेन्यू, क्लिक ऑन सेव एज ऑन द डेस्कटॉप बाय द नेम imagemap.html के नाम से इसको मैंने यहाँ पर सेव करा दिया। इसका एक बार आउटपुट चेक कर लेते हैं तो आप देखो यहाँ पर ये मेरी फाइल जो बन करके रेडी हो चुकी है। डबल क्लिक करके इसको ओपन कराएंगे तो इमेज मैप मेरी हेडिंग भी आ चुकी है और मेरा पैराग्राफ भी यहाँ पर आ चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मेरे को यहाँ पर इमेज इंसर्ट करानी है। तो इमेज इंसर्ट कराने के लिए बहुत आसान सा कंसेप्ट है, आपके पास में इजी सा कंसेप्ट है। सिंपली आपको क्या करना है, IMGSRC का यूज़ करना है और इसके अंदर आपको क्या करना है, या तो आप इमेज का सोर्स यानी कि लोकेशन ऐड कराओगे, और अगर आपका कंडीशन इस तरह का है कि जो आपकी फाइल है और जो इमेज है वो एक ही जगह पे है, जैसे कि मेरे डेस्कटॉप के ऊपर सेव है दोनों, तो अगर मैं इमेज का नेम यानी कि workplace.jpg लिखूंगा तो भी मेरा काम यहाँ पर चल जाएगा। कैसे, मैं दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर सिंपली लिख देना है workplace.jpg। ठीक है, कंट्रोल एस के साथ सेव करेंगे और प्लस टैब के साथ स्विच करेंगे, F5 के साथ रिफ्रेश, सी द रिजल्ट्स, मेरी इमेज जो है वो अप्लाई हो चुकी है। ठीक है, इमेज के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ लेकिन क्लिक नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी इसको भी कवर करेंगे। अब क्या करना है, इमेज डालते ही ना आपको एक काम और भी करना है, आप अल्टरनेट हमेशा यहाँ पर यूज़ करेंगे, क्योंकि बाई चांस अगर इमेज आपकी शो ना हो तो अल्टरनेट में आपका टेक्स्ट शो हो जाए आपके वेबसाइट के यूज़र को। यहाँ पर अल्टरनेट मैंने डाल दिया वर्कप्लेस, कंट्रोल एस के साथ इसको सेव करा देंगे। ठीक है, अभी फिलहाल इसका आउटपुट हमने देखेंगे क्योंकि ज़्यादा कुछ खासा फर्क नहीं हुआ होगा। अब मेरे को क्या करना है, इमेज को क्लिकेबल बनाना है और मैं चाहता हूँ एक ही इमेज को अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दूँ ताकि हर एक पार्ट अलग अलग फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर ले। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इमेज के अंदर सबसे पहले डालना है यूज़ मैप। मैं HTML को बता रहा हूँ कि मैं मैप का यूज़ करने वाला हूँ, और मैप का यूज़ करने के लिए आपको एक नाम डालना होता है। नाम कुछ भी रख सकते हो आप, लेकिन एक कंडीशन होती है आपको हैशटैग यूज़ करना होता है। मैं यहाँ पर मयंक लिख सकता हूँ, मैं कुछ भी नाम लिख सकता हूँ, मैं फिलहाल यहाँ पर डाल देता हूँ वर्क, हैशटैग वर्क, यूज़ मैप मैंने डाल दिया। मैंने HTML को बताया कि HTML में यहाँ पर रिलेशनशिप करने वाला हूँ इमेज की किसके साथ, मैपिंग के साथ। यूज़ मैप का मतलब वही होता है, ये रिलेशनशिप बना देता है इमेज के और इसके मैपिंग के दोनों के बीच में। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में मेरे को क्या करना होता है, अब मैंने यहाँ पर यूज़ मैप डाल दिया, अब आप टैग ओपन करें यहाँ से और आप यहाँ पर ऐड कराएंगे क्या, मैप का नेम। अब मैं HTML को बता रहा हूँ कि मैं मैप के ऊपर वर्क करने वाला हूँ जिसका नेम क्या है, जिसका नेम है वर्क। ठीक है, इसको यहाँ पर क्लोज करा देंगे। अब
जिस मैप के ऊपर मैं काम करने वाला हूँ उसका वर्क का नेम मैंने यहाँ पर बता दिया। अब मैं बताने वाला हूँ कि मैं इसका एरिया जो है वो कैसा लेना चाहता हूँ। एरिया का शेप होगा मेरे रेक्टेंगल, RECT। शेप्स आपके तीन तरह के अवेलेबल हैं, एक तो आप रेक्टेंगल यूज़ कर सकते हो, एक आप सर्कल यूज़ कर सकते हो और तीसरे नंबर पे आप पॉलीगन का यूज़ करा सकते हो। फिलहाल मैंने यहाँ पर डाला एरिया का शेप इज इक्वल्स टू रेक्टेंगल चाहिए मेरे को, और रेक्टेंगल के आगे आपको क्या करना है इसके कोड्स देने हैं, क्योंकि फिलहाल जो आप देखें इमेज तो मेरी पूरी की पूरी रेक्टेंगल है। मैं चाहता हूँ केवल लैपटॉप के ऊपर मेरा जो है क्लिकेबल एरिया यानी कि ये बन जाए। तो अब इसके लिए आपको एक तो ये वाला कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा और एक आपको नीचे वाला ये वाला कोऑर्डिनेट यहाँ पर फाइंड करना होगा, ताकि पूरा एक रेक्टेंगुलर शेप यहाँ पर इस तरह से बन जाए, ये क्लिकेबल एरिया बन जाए। अब इसका कोऑर्डिनेट फाइंड किस तरह से होगा, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की मेरे पास क्वेरी आती है, तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन मैं आपको दे देता हूँ। आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर डाल दीजिए कोऑर्ड्स इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। अब आपको इस इमेज को जो आप यूज़ करा रहे हो उसको ओपन करा लीजिए, ओपन विद पेंट, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैं अपने माउस के कर्सर को लेकर के जा रहा हूँ इसके इधर वाले कोऑर्डिनेट के ऊपर, तो नीचे की साइड अगर आप देखें तो यहाँ पर आ चुका है क्या 32.43। आप यहाँ पर डाल दीजिए 32.43, आपका कोऑर्डिनेट मिल चुका है, ठीक है। इसी के साथ नीचे वाला कोऑर्डिनेट देखेंगे, ये आ रहा है 273.347। कोऑर्डिनेट्स तो अप्लाई हो चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ कि अब मेरा फिलहाल क्या हुआ है यहाँ पर आपको दिखाऊँ, तो मैं ये लैपटॉप वाला एरिया पूरा का पूरा क्या हो चुका है, ये मेरा मैपिंग के थ्रू आ चुका है, ठीक। अब मैं चाहता हूँ अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ लैपटॉप के ऊपर, तो मेरा रेफरेंस क्या हो ये ओपन कराए मेरे वेब पेज को जो कि मैंने कंप्यूटर के नेम से यहाँ पर सेव किया हुआ है ऑन द डेस्कटॉप। मैं इसको एक बार ना आपको इसका कोड दिखा देता हूँ, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको भी सेव कर सकते हैं, इसको बना लीजिएगा तभी आपका ये शो होगा। मैंने केवल हेडिंग डाल रखी है, इमेज इंसर्ट करा रखी है, हाइट और विड्थ उसका एडजस्ट कराया हुआ है, और साथ ही में मैंने कोटेशन डाला हुआ है हेडिंग टैग के साथ, ताकि वो थोड़ा सा आपको साइज में बड़ा जो है वो दिखाई दे जाए, ठीक है। मैं इसको फिलहाल यहाँ से कट कर दे रहा हूँ, मेरे को इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं क्या करने वाला हूँ, शिफ्ट के साथ इसको कॉपी करूँगा, कॉपी एज पाथ, शिफ्ट के साथ राइट क्लिक किया और कॉपी एज पाथ के ऊपर क्लिक कर दिया। अब HREF के अंदर आकर के कंट्रोल V के साथ इसको पेस्ट करा दिया, कंट्रोल S के साथ सेव करेंगे, ऑल्ट प्लस टैब के साथ स्विच करेंगे, F5 के साथ रिफ्रेश करेंगे, सीधा रिजल्ट्स। अगर मैं बाहर क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा, मोबाइल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा, कॉफी कप के ऊपर कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अगर लैपटॉप के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखो लैपटॉप वाला वेब पेज ओपन होकर के आ चुका है, ठीक है। सेम इसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ मोबाइल फ़ोन के ऊपर अगर क्लिक किया जाए तो मोबाइल फ़ोन वाला वेब पेज ओपन हो, तो मेरे को एक तो ये वाला कोऑर्डिनेट चाहिए और एक ये वाला कोऑर्डिनेट चाहिए। बहुत आसान है, आपको केवल क्या करना है, मैं दोबारा से HTML को बता देता हूँ कि HTML में वर्क करने वाला हूँ मैप के ऊपर, जिसका नेम क्या है, जिसका नेम है वर्क, ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। और जो इसका एरिया होने वाला है ना उसका शेप होगा रेक्टेंगल, मेरे को रेक्टेंगल शेप चाहिएगा। उसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, कोड्स इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको लगाने हैं। सेम इमेज ओपन करें, इसके ऊपर देखें माउस के ऊपर, तो यहाँ पे आ रहा है 289.171, कोमा लगाएंगे। दूसरे कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, मैंने कहा दूसरे कोऑर्डिनेट्स हैं 335.245, ठीक है। इसको रेफरेंस दे देते हैं, मैंने कहा कि अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो मेरे को सेल फोन वाला पेज चाहिएगा, ओके नो प्रॉब्लम। तो इसके साथ शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करेंगे फ़ोन वाले पेज के ऊपर, कॉपी एज पाथ ही सेम इसी तरह से बनाया हुआ जैसे मैंने ये वाला बनाया हुआ था लैपटॉप वाला, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कराया, कंट्रोल एस के साथ सेव, लेकिन सेव करने से पहले इसको बंद करा देंगे, कंट्रोल एस के साथ सेव, ओल्ड प्लस टैब के साथ इसको स्विच करेंगे, F5 के साथ रिफ्रेश करेंगे, सीधा रिजल्ट्स। अगर मैं फ़ोन के ऊपर क्लिक करूं तो सेल फोन वाला आ रहा है, और अगर मैं लैपटॉप के ऊपर क्लिक करूंगा तो लैपटॉप वाला वेब पेज यहां पर आ रहा है। कॉफ़ी कप के ऊपर क्लिक करूं तो ये कुछ नहीं हो रहा, और कॉफ़ी कप को अगर आप ध्यान से देखें तो ये सर्कुलर शेप के अंदर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, सर्कुलर शेप लगा देंगे। मैंने कहा HTML में मैप का यूज़ करने वाला हूँ जिसका नेम है वर्क, आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी क्योंकि मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। आपको यहाँ पर लिखना है एरिया का शेप मेरे को क्या चाहिए। अब की बार मैंने कहा मेरे को एरिया का शेप चाहिएगा सर्कल, ओके नो प्रॉब्लम। कोड्स इसके थोड़े से अलग तरीके से डाले जाएंगे, क्योंकि रेक्टेंगल के कोड्स आपके चार होते हैं,
यानी कि चार साइड्स हो जाती हैं आपकी। लेकिन आप जब अगर सर्कल का यूज़ करोगे तो आप कोड्स किस तरह से डालोगे मैं वो दिखा देता हूँ आपको। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मिड पॉइंट फाइंड करना है। मैंने कहा मिड पॉइंट मेरा 339,300 है, ठीक, आप यहाँ पर डाल दो 339,300, यहाँ पर मैंने डाल दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको फाइंड करना होता है रेडियस कितना है इसका। मैंने कहा 339 कोम इससे ऊपर यहाँ से चेक करें 10, 20, 30, 40 और ये 50 सफिशियंट रहेगा, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ 50, ये रेडियस मैंने डाल दिया। इसी के साथ इसका रेफरेंस आप यहाँ सर्कल में देख लेना, आपको एक तो मिड पॉइंट चाहिए और आपको एक रेडियस का साइज चाहिएगा, ठीक है। HREF मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरा ये कॉफ़ी वाला जो पेज है ना एक ओपन होकर के आ जाए। शिफ्ट के साथ इसको राइट क्लिक करके कॉपी एज पाथ करेंगे ताकि लिंक मिल जाएगा, और इस लिंक को यहाँ पर कंट्रोल वी के साथ पेस्ट करा दिया, टैग को कर देंगे क्लोज, कंट्रोल एस के साथ इसको सेव करेंगे, वापस से अपने वेब पेज के ऊपर आएंगे, F5 के साथ इसको रिफ्रेश करा देंगे, सीधा रिजल्ट्स। अगर मैं कॉफ़ी के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये कॉफ़ी वाला वेब पेज मेरा सामने आ चुका है। लैपटॉप के ऊपर क्लिक करेंगे लैपटॉप वाला आएगा, फ़ोन के ऊपर क्लिक करेंगे फ़ोन वाला वेब पेज आएगा, कॉफ़ी के ऊपर क्लिक करेंगे तो कॉफ़ी वाला वेब पेज मेरा सामने आ जाएगा। बाकी अगर आप एक्स्ट्रा इमेज के ऊपर क्लिक करना चाहो तो वो आपका पॉसिबल नहीं होगा। ये फीचर होता है आपका इमेज मैपिंग का। इसी के थ्रू अगर आप चाहें तो अपनी वेबसाइट का मेन्यू पेज डिज़ाइन करके उसको यूज़ करा सकते हैं अलग अलग लिंक के थ्रू, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।